नमस्कार दोस्तों, भारत के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा जी का मुंबई के ब्रिज कैडी अस्पताल में निधन हो गया। रतन टाटा जी 86 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। पूरा देश उनके निधन से शोकाकुल है। रतन टाटा पारसी धर्म को मानते थे, लेकिन फिर भी उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से नहीं हो रहा है, बल्कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से होगा और वर्ली स्थित इलेक्ट्रिक अग्निदाह गृह में उनका ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को 4 बजे मुंबई के वर्ली इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में रखा जाएगा और वहीं उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले 45 मिनट तक उनकी प्रेयर होगी जो पारसी के धर्म में की जाती है, और उसके बाद अंतिम संस्कार जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि दोस्तों, पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार के नियम अलग है, कठिन है, और ये जो अंतिम संस्कार की जो पारसी प्रक्रिया है वो 3000 साल पुरानी है। हजारों साल पहले पर्शिया यानी जब आज का जो ईरान है वहाँ से ये लोग भारत आए थे, पारसी समुदाय, और इसमें ना तो शव को जलाया जाता है हिंदुओं की तरह, ना ही मुसलमानों की तरह दफनाया जाता है, बल्कि पारसी धर्म में मौत के बाद शव को पारंपरिक जो कब्रिस्तान होते हैं जिन्हें टावर ऑफ साइलेंस या दखमा भी कहते हैं, वहाँ पर उन्हें खुले में गिद्धों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। दरअसल गिद्धों को खाने के लिए छोड़ना भी पारसी समुदाय का एक रीति है, लेकिन रतन टाटा जी का जो अंतिम संस्कार है वो उस तरीके से नहीं होगा, वो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही होगा। दरअसल 2022 में भी टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना महामारी के समय शव के अंतिम संस्कार के तरीकों में बदलाव हुए थे और उस दौरान पारसी समुदाय के अंतिम संस्कारों के रीति रिवाजों पर रोक भी लगा दी गई थी। पारसी समुदाय के व्यक्ति की मौत के बाद शवों को आबादी से दूर टावर ऑफ साइलेंस में ले जाया जाता है, और ये जो टावर ऑफ साइलेंस है अगर बात करें तो एक गोलाकार ढांचा होता है ऊंचाई पर। हालांकि ज़रूरी नहीं कि ये ऊंचाई पर गोलाई बनाया जाए, ये एक छोटी पहाड़ी भी हो सकती है जहाँ पर शवों को रखा जाता है खुले आसमान के नीचे सूरज की रोशनी में, और इसके बाद मृतक के लिए आखिरी प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना के बाद शव को चील, गिद्ध, कौवों के लिए छोड़ दिया जाता है, और ये पारसी समुदाय की रीति रिवाज थी। कई बार इस पर कई लोगों ने एतराज़ भी जताया, लेकिन ये क्योंकि हजारों साल पुरानी परंपरा का ही हिस्सा था, इसे दोख में नाशनी कहा जाता है। पारसियों में शव को सूरज की रोशनी के सामने रखा जाता है और फिर इसको छोड़ दिया जाता है। दरअसल पारसी धर्म में शव को न जलाया जाता है, न दफनाया जाता है और न ही पानी में प्रवाहित किया जाता है। पारसियों का मानना है कि इससे प्रकृति गंदी होती है, खुले में छोड़ देने से एक कारण ये भी है कि जो चील कौवे है वो उनका भोजन भी बन जाता है, और अगर जलाएंगे, दबाएंगे और पानी में प्रवाहित करेंगे तो इससे पर्यावरण दूषित हो सकता है। दरअसल पारसियों का मानना है कि जो मृत शरीर होता है वो प्रदूषित होता है, उससे अग्नि तत्व अपवित्र हो जाएगा, और अगर मिट्टी में डालेंगे तो धरती प्रदूषित हो जाएगी, और अगर नदी में बहाएंगे तो पानी भी अपवित्र हो सकता है। पारसियों में जल, अग्नि, पृथ्वी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इसी वजह से पारसी लगातार अपनी इस परंपरा का निर्वाह कर रहे थे। लेकिन पहले साइरस मिस्त्री और अब रतन टाटा जी का जो अंतिम संस्कार है वो हिंदू रीति रिवाजों की परंपराओं का पालन करते हुए किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि मौजूदा जो ईरान है जिसे फारस कहा जाता था, वहाँ से ये लोग भारत में आए थे, और अब अगर 2021 की जनगणना की बात करें तो दुनिया भर में पारसियों की तादाद करीब 2 लाख से भी कम है, और कई बार पूरी दुनिया में इनकी जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसकी आलोचना होती है, तो मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, और टावर ऑफ साइलेंस के लिए भी जगह कमरे हैं नहीं है ऐसी जगह, तो इसकी वजह से भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और गिद्ध, पक्षी, चील वो भी कम हो गए हैं, इसकी वजह से भी कई बार इनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। रतन टाटा जी ने जिंदगी भर शादी नहीं की, टाटा संस के लिए काम करते रहे, इस देश के लिए काम करते रहे। महाराष्ट्र सरकार ने तो उनको भारत रत्न देने का भी रिकमेंडेशन किया है। ऐसी पवित्र आत्मा को हमारी ओर से सत सत नमन। दोस्तों, आप रतन जी के लिए कुछ कहना चाहें तो ज़रूर आपका स्वागत है, कमेंट करके ज़रूर उनको विनम्र श्रद्धांजलि दें। नमस्कार।